हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस. वेलकम टू दिस जर्नल स्टडीज पेपर वन सॉल्व पेपर ऑफ 2016. वी आर गोइंग टू सॉल्व द यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2016 क्वेश्चन पेपर. सो फार वी हैव सॉल्व 40 क्वेश्चंस. दिस इज पार्ट 3. हमने 40 क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं. अब हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ 20 क्वेश्चंस. ओके, सो ईच डे वी आर गोइंग टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम 2016 क्वेश्चन पेपर. देन वंस 2016 क्वेश्चन पेपर इज फुली सॉल्व, देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स 2017 प्री क्वेश्चन paper. Okay, then we are going to move towards 2018 19 20, so on and so forth. We are going to solve the previous year question papers in order for you to understand how to analyze the question papers, how to know what kind of questions UPSC is asking, and accordingly streamline our preparation for UPSC CSE pre-examination. Now over here you will see that you are given different booklet series A, B, C and D. Okay, so yahan par different booklets milti hai. Questions are same, but the arrangement of questions are different in each of the booklets, and there are total 100 questions. Each question is of 2 marks, that means 200 marks ka aapka paper hota hai. 2 hours time is given for solving paper 1, then next 2 hours for solving CSAT paper. And over here you can see 1/3 mark are assigned for the questions. They will be deducted as penalty if you mark them incorrectly. Agar aap koi question galat tarike se mark karte ho, to jo 2 number ka question hai na, usme se 1/3 डिडक्ट हो जाता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से. ठीक है, इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, दैट इज नो आंसर इज गिवन बाय कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन. ओके, पॉइंट क्लियर. एंड इफ यू मार्क टू और वन और मोर आंसर्स, एक से ज्यादा आंसर अगर आप मार्क करते हो क्वेश्चन का, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन के ये मत समझना तुक्के लगा के 2 आंसर मार्क कर देता हूँ. राइट, उसमें भी आपका चाहे एक आंसर सही हो वो नहीं देखा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी. ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है. चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर नाउ. आई होप यू ऑल आर रेडी. उम्मीद करती हूँ आप लोग रेडी हो. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 41. सो फार वी हैव सॉल्व 40 क्वेश्चंस. 41 से शुरू कर रहे हैं. विद रेफरेंस टू द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. Now, Trans-Pacific Partnership has been seen a lot in the editorials, Hindu editorials. ठीक है, editorials पढ़ना बहुत जरूरी है CSAT paper के लिए भी, prelims और mains के लिए भी. Right? Trans-Pacific Partnership, consider the following statements. देखो ये direct current affair based question है. It's a direct current affair based question. It's an agreement among all Pacific Rim countries except China and Russia. It's a strategic alliance for purpose of maritime security only. देखो extreme statement आ गया. I told you extreme statements 99% of the time are wrong. So which of the statements given above is or are correct? कौन सा statement इसमें से correct है जल्दी से बताएं. Is it statement number 1? Is it statement number 2? Are both the statements correct? Or none of them are correct? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है? देखो आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स टाइम टू गो थ्रू द क्वेश्चन. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखो टीपीपी आपने वर्ड सुना होगा न्यूज़पेपर में, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. इसको हम TPPA भी बोलते हैं. It's a trade agreement among 12 Pacific Rim countries. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये एक तरीके का ट्रेड अग्रीमेंट है among 12 Pacific Rim countries. Pacific Rim पे जितनी भी countries आती हैं boundaries पे, उनके बीच में एक ट्रेड अग्रीमेंट है ये. ठीक है, नाउ द कंट्रीज आर ऑस्ट्रेलिया, वी हैव ब्रुनाई. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर हमारे पास पार्टनरशिप में. देन वी हैव ब्रुनाई, we have Canada, we have Chile, we have Japan, we have Malaysia, Mexico, New Zealand, then we have Peru, we have Singapore, USA, right, and Vietnam. Okay, Vietnam हो गया. तो यहाँ पर 12 Pacific Rim countries के बीच का agreement है ये. तो ये all word ना extreme word आ गया. ठीक है, सेकेंड इट्स अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर पर्पज ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी ओनली. नो, इट्स अ ट्रेड अग्रीमेंट. तो अगेन सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मैरिटाइम सिक्योरिटी ओनली इज रॉन्ग, ओनली वर्ड इज रॉन्ग. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. नाउ अगेन इंडिया अफ्रीका समिट लिया गया है ये हिंदू न्यूज़पेपर, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स डायरेक्ट क्वेश्चन. इंडिया अफ्रीका समिट हेल्ड इन 2015 वॉज थर्ड सच समिट, वॉज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1951. अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन.
ठीक है. स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी द करंट अफेयर्स प्रॉपरली, हु क्रैम द करंट अफेयर्स, ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन. बट स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग द करंट अफेयर्स केयरफुली डेली डिलीजेंटली, फॉर देम इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज, इट इज ए. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, तो ये 2015 में जो हुआ था वो थर्ड सच समिट था. बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट वॉज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1951 इज रॉन्ग. इट वॉज फर्स्ट हेल्ड फ्रॉम 4th to 8th April 2008 न्यू दिल्ली में पहली बार हुआ था. ठीक है, फर्स्ट टाइम इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. दैट इज वाई स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43. What is or are the purpose or purposes of marginal cost of funds based lending rate? Direct question coming from the newspaper economy section. जो economy section होता है ना newspaper में, वहाँ से direct question आया है ये, which is announced by RBI. These guidelines help improve transparency in methodology followed by banks for determining interest rates on advances. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. Now, if you are reading the newspaper daily, diligently, sincerely, then you must have come across the term MCLR. Now, you can answer this question. इस question को बहुत आराम से आप answer कर सकते हो. The correct answer to this question is, इस question का correct answer है, it is C. Both the statements are absolutely correct. दोनों ही statements correct है. RBI lending rate को set करने के लिए एक नया method लेकर आई है. ठीक है? तो कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग रेट्स को सेट किया जाएगा इस मेथड के तहत MCLR. एंड इट हैज मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग बेस रेट सिस्टम फ्रॉम अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स. ओके, सो बेस्ड अपॉन दिस MCLR, इंटरेस्ट रेट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स शुड बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर रिस्कीनेस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, देर आर टू थ्री persons, based on the riskiness, how they are going to or at what time they are able to repay back the loan, based on that riskiness, interest rate for each of them will be fixed by the commercial banks. That is MCLR. Coming on to question number 44, Karhai Camel ke upar question hai, ye aapka NCRT based question hai. If you have studied class 9 to class 12th geography NCRT, then you are in a position to answer this question. What is or are unique about Karhai Camel, a breed found in India? It is capable of swimming up to 3 kilometers in sea water. It survives by grazing on mangroves. It lives in the wild and cannot be domesticated. Select the correct answer using the code given below. बहुत easy question है. देखो सारे question आप देखोगे इसमें से दो तीन अभी तक हमने 44 questions solve किए हैं. दो तीन question ही थोड़े tricky रहे हैं. बाकी सारे question direct questions हैं. Correct answer to this question is, it is A. Statement 1 and 2 are correct. Kadhai camel is also known as the swimming camel. Please write it down. It is also known as the swimming camel. It is found only in Gujarat's Bhuj area. And it has been recently recognized as a separate breed of camel for better conservation of this camel. Point clear? So first and second is corrected. Third statement is saying it lives in wild and cannot be domesticated. Wrong. ठीक है, ये भी गलत है आपका. इसमें ये डोमेस्टिकेट किया जा सकता है. थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 45. रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ बनाना प्लांट विच अटेन्स हाइट ऑफ अबाउट 11 मीटर्स, हैज ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प. डायरेक्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर. हिंदू का जो संडे एडिशन आता है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेज आता है, उसमें ये सारे न्यूज आते हैं. संडे एडिशन, संडे एंड फ्राइडे एडिशन. That is very important. Correct answer is Andaman Islands, Anamalai Forest, Maikala Hills, Tropical Rainforest of Northeast. जल्दी से बताएं कौन सा answer इसमें से option correct है. Let me know in the comment section please. Very easy question. You can easily answer it. Question easy है. Correct answer is Andaman Islands. A is correct. Scientist at Botanical Survey of India, they have discovered new species of banana from a remote tropical rainforest on the Little Andaman Islands. ठीक है, तो it is in, write it down, it is in the Krishna Nala Forest in India. Andaman Islands में Krishna Nala Forest है ना, वहां पाया गया है ये. ठीक है, this is very important. Now before we move forward, here's a few. Unacademy is launching Unacademy Civil Services Championship, which is India's largest scholarship test, which is created by top educators of India for UPSC prelims 2021.
It is going to be launched on 13th June from 10 AM to 12 PM. 2 hours ka test hoga, scholarship test. Top 1 to 50 rankers, top 50 rankers are going to get direct guidance from top UPSC CSE mentors. You can enroll in this scholarship test for free. You can attempt the live test on 13th June from 10 to 12 PM. You can win scholarships and prizes worth rupees 3 crore. And top 50 are going to get guided by the best CSE mentors. Abhishek Saraf sir, Shatabdi Mazumdar ma'am, Durga ma'am, Rakesh Verma sir, B.N. Ramesh sir, Krishna sir, Vipin C. Sharma sir, they are going to guide you if you score from top 50 ranks. And you are also going to win, you can stand a chance to win MacBook, iPhone, iPad, AirPods. So hurry up, enroll now. I've given you the link in the description box below the video. Aap abhi ke abhi enroll kar sakte ho, maine aapko description box mein video mein niche link diya hua hai iska, theek hai? तो आज ही इनरोल कीजिए और स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, इसमें कुछ पैसे नहीं देने हैं। प्लस अगर आप जीतते हो, रैंक लेकर आते हो, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मेंटरशिप गाइडेंस मिल रही है उन लोगों से जिन्होंने खुद ही एग्जाम क्लियर किया है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना? तो आज इनरोल कर लीजिएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अष्टाधारिणी। अगेन न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर्स। That was in news recently. Amphibious warfare ship, nuclear powered submarine, torpedo launch and recovery vessel, nuclear powered aircraft carrier. जल्दी से बताएं, which option is correct? Read the question carefully. You have 10 seconds time to answer the question. Correct answer in this question is C, torpedo launch and recovery vessel. INS Ashtradharini, it's an indigenously designed and built torpedo launch and recovery vessel which is built by Shockt Shipyard for Indian Navy. इसको 2015 में commission किया गया था Indian Navy के लिए, ठीक है, विशाखापट्टनम में। Point clear? And इसको decommission किया गया after 31 years of service. Okay. Next question, question number 47. What is Greased Lightning 10, GL-10 recently seen in news? Electric plane tested by NASA, solar powered two-seater aircraft designed by Japan, space observatory launched by China, reusable rocket designed by ISRO. Again, direct question from the current affairs. अगर आप newspaper पढ़ रहे हैं तो ये question miss नहीं करिएगा. Correct answer to this question is, it is A, electric plane tested by NASA. NASA Langley researchers designed and built a battery-powered 10-engine remotely piloted aircraft which is known as Greased Lightning GL-10. Okay? So, ये एक diesel electrical tilt wing है. Currently, NASA ने भी इसका 50% जो part है वो बना दिया है. ठीक है? एक electric battery part demonstrator इसका तैयार किया गया है. ये point आपको याद रखना है. Question number 48. With reference to initiative for nutritional security through intensive millets promotion, which of the following statements is or are correct? ये question है Press Information Bureau से, PIB से लिया गया question है. This initiative aims to demonstrate improved production and post-harvest technologies and to demonstrate value addition techniques in an integrated manner with cluster approach. Poor, small, marginal and tribal farmers have larger stake in this scheme. Important objective of scheme is to encourage farmers of commercial crops to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation component. Which option is correct? Is it A, B, C or D? 1 only, 2 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3. Jaldi se batayen. Which option is correct? Correct answer to this question is, इस question का correct answer है C. Statement 1 and 2 are correct. Third statement is wrong. The objective is not to encourage farmers of commercial crops to shift to millet cultivation. No. The scheme aims to catalyze increased production of millets in the country. ऐसा नहीं है कि commercial cultivation से अब आप millets cultivation में आ जाओ, नहीं. Millet cultivation को increase करने की कोशिश की जा रही है, कोई shifting नहीं की जा रही है इसके अंदर, ये point याद रखना है. So third statement is wrong. Question number 49, direct question from Spectrum, history based question है ये आपका. The Swadeshi and boycott were adopted as methods of struggle for first time during the agitation against the partition of Bengal, home rule movement, non-cooperation movement, visit of Simon Commission to India.
वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सा आंसर इसमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताएं. वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें तो दो नंबर फ्री के मिलेंगे आपको. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, वेरी गुड, इट इज ए, एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, दीज टू मूवमेंट्स वर स्टार्टेड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. 50th क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है अगर आप आर्ट एंड कल्चर आपने अच्छे से पढ़ा है, एंड इन आर्ट एंड कल्चर अगर आपने नितिन सिंघानिया सर की किताब पढ़ी है, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, इट इज मेंशन इन नितिन सर्स बुक, इट इज सेंट्रल टू हिनायना सेक्टर ऑफ बुद्धिज्म. बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट. बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट. विच ऑप्शन इज करेक्ट? बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट यू विल फाइंड दैट हिनायना सेक्ट इज रॉन्ग, इट इज महायाना सेक्ट. बोधिसत्व कॉन्सेप्ट महायाना सेक्टर का है, बुद्धिज्म में हिनायान महायान, देयर आर टू सेक्टर्स, सो इट बिलोंग्स टू महायान नॉट हिनायान. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हेन फर्स्ट इज रॉन्ग वी कैन एलिमिनेट ए सी एंड डी. सी को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हम वैसे, सी भी सही हो सकता है यहाँ पर ए एंड डी आर एलिमिनेटेड. थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सेल्वेशन, करेक्ट. बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन, ही अटेन्स एनलाइटनमेंट इवन देन ही डिलेज इट. व्हाई? In order to help the others to go on that path. Okay, third statement is wrong. तो C हट जाएगा आपका, B आ गया automatically correct. ठीक है, statement 2 and 3 are correct. Coming on to the next question, question 51. Doctors without borders, medicine sans frontiers. Often in the news is a division of World Health Organization, non-governmental international organization, intergovernmental agency sponsored by European Union, specialized agency of United Nations. Doctors without borders, ये आपका newspaper based question है. Current affairs, direct question from current affairs. Correct answer in this case is, जल्दी से बताएं correct answer कौन सा है इस case में. Correct answer to this question is B. It's a non-governmental international organization. एक humanitarian organization है which is created by doctors and journalists in France. तो इसको France में 1971 में तैयार किया गया था. ठीक है, इस organization को to give emergency help to people who are affected by wars, epidemics, famine, natural disasters, man-made disasters or areas where there is no healthcare facilities provided. Okay? It was also awarded the Nobel Peace Prize. You have to remember that. Coming on to question number 52. Question 52 pe aate hain. With reference to initiative called the Economics of Ecosystems and Biodiversity. Ye aapka liya gaya hai PIB se, Press Information Bureau. Which of the following statements is or are correct? It's an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum. It's a global initiative that focuses on drawing attention to economic benefits of biodiversity. It presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture value of ecosystem and biodiversity. थोड़ा सा tricky है क्योंकि इतना deeply PIB कोई पढ़ नहीं पाता. ठीक है, तो जल्दी से बताएं. Even if you have studied the current affair magazines, you can answer this question. Correct answer to this question is environment and ecology topic को cater करता है. Correct answer over here is C. Statement 2 and 3 are correct. Ecosystem of the economics of ecosystem and biodiversity a global initiative hai which is focused on making nature's values visible. Nature ki value logo ko dekhe, awareness phailane ke liye hai ye. Theek hai, ye point aapko yaad rakhna hai. And this particular initiative has been taken in order to achieve the goal of making biodiversity and ecosystem services available at all and conserving them. Okay, point clear ho gaya. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये जर्मनी में प्रपोज किया गया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. आप ए को हटा सकते हो, डी को यहाँ से हटा सकते हो. क्वेश्चन नंबर 53, विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगेन ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है. ऑलराइट,
So it is a tree species found in part of South India. It is one of the most important trees in tropical rainforest areas of South India. Which option is correct? कौन सा option इसमें से correct है? जल्दी से बताएं. Which option do you think is correct regarding the red sanders? The correct answer to this question is A. Only statement one is correct. तो ये जो species है red sanders की, ये endangered मानी जाती है. It is considered endangered in the IUCN red list. ठीक है, and it is found in the forest of Seshachalam, Veliganda and Palakonda hill ranges. Okay, in Andhra Pradesh. And it is also found in the isolated parts of Tamil Nadu. Now, ये जो tree है, ये बहुत valued माना जाता है, क्योंकि इसका red color जो है, उसके wood का, वो बहुत important, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और furniture में भी use होता है. And you have to remember that the wood is not aromatic. ठीक है, please write it down. कोई खुशबू नहीं आती है, तो wood is not aromatic. They can ask you in prelims this kind of statement also. ठीक है, so second statement is wrong, first statement is correct. Question number 54, which of the following statements is or are correct? Proper design and effective implementation of UN Red Plus program can significantly contribute to protection of biodiversity, resilience of forest ecosystems, poverty reduction. Select the correct answer using the code given below. Is it A, is it B, is it C or is it D? Again, ये environment ecology का question है. Current affair based question. Correct answer in this case will be, it is D. All the above statements are correct. Okay? बढ़ते हैं आगे question number 55 की तरफ. Again, greenhouse gas protocol direct current affair based question. It is an international accounting tool for government and business leaders to understand, quantify, manage greenhouse gas emission. It is initiative of UN to offer financial incentives to developing countries to reduce greenhouse gas emission. आप समझ सकते हो यहाँ पर UN ऐसा कोई initiative लेकर आएगा या नहीं? It is an intergovernmental agreement countries ratified by all member countries of UN to reduce greenhouse gas emission. It is one of the multilateral REDD plus initiative hosted by World Bank. Which option is correct? कौन सा option correct है? The correct answer in this case will be A. ये एक international accounting tool है. Greenhouse gas protocol is an international accounting tool government के लिए और business के लिए समझने के लिए कि क्या हमें quantity, किस तरीके से हमें manage करना है greenhouse gas emissions को, levels को कम करने के लिए हमें management किस तरीके की चाहिए. ठीक है. Question number 56, with reference to Financial Stability and Development Council. Very easy question. Why? Because ये Indian polity का question है, काफी easy question है. ठीक है, ध्यान से answer करना है. It is an organ of Niti Aayog. It is headed by Union Finance Minister. It monitors macroprudential supervision of economy. Which option is correct? कौन सा option यहाँ पर correct है? रमेश सिंह सर की बुक से आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी एंड स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है इसको, तो इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, इट हैज बीन स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 57 विद रेफरेंस टू एजेंडा 21. एजेंडा 21 आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है ये टॉपिक. ठीक है, it is again taken from current affairs, sometimes seen in the news. Consider the following statements. It's a global action plan for sustainable development. It originated in World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. Which option is correct? कौन सा option correct है? जल्दी से बताएं. Statement 1, statement 2, both the statements or none of the above? करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी, इस केस में करेक्ट आंसर है ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है. ठीक है, क्योंकि एजेंडा 21 ना 1992 में ओरिजिनेट हुआ था अर्थ समिट के दौरान, ड्यूरिंग दी अर्थ समिट, नॉट वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ड्यूरिंग दी अर्थ समिट. तो ये भी रॉन्ग है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट.
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज. अब ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम से लिया गया है, डायरेक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन है. इट इज अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र और अ पेजेंट मूवमेंट इन पंजाब. करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी, इस केस पे करेक्ट आंसर क्या है, इट इज सी. ये एंटी कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र का है, विच वॉज स्टार्टेड बाय ज्योति राव, राइट इट डाउन, फूले जी, इन 1873. ठीक है, 1873 में इसको स्टार्ट किया गया था. कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स. अब ये है क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जर्नल साइंस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड. एंड इन टूडेज टाइम बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक दैट इज गोइंग ऑन, कोरोना वायरस, सच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. सो वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से बताएं. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट इज डी, ऑल द अबव आर करेक्ट. वायरसेस आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन, सो दे हैव टू इन्वेड अ होस्ट सेल, राइट. अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वायरस, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से आप देख भी नहीं सकते, तो उनको एक होस्ट सेल चाहिए होता है जिसके ऊपर अफेक्ट करके ये आगे बढ़ सके. ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, ऑल कैन बी इन्फेक्टेड बाय वायरसेस. क्वेश्चन नंबर 60, द टर्म बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज, कर्बिंग ऑफ द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, exploitation of genetic resource of a country by multinational companies, lack of consideration of environmental cost in planning and implementation of developmental projects. बताएं जल्दी से इसमें से कौन सा option correct है. You have 10 seconds time to answer the question. 10 second का time है आप लोगों के पास, जल्दी से answer कीजिए question को. The correct answer in this case is, and this question has been taken from Ramesh Singh Sir's book. अगर आप उस किताब को पढ़ें तो आप आराम से आंसर कर सकते हो. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, curbing, that is removing tax evasion by multinational companies. Okay? It's a major significance. It is of major significance for developing countries because of their heavy dependence on corporate income tax. Okay? So ये भी आपका हो गया solved. Total 60 questions we have solved so far. नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चन वील बी सॉल्विंग देम इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, आज हमने 20 और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आज तक हम, अभी तक ना, आज के डेट में हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कल तक 2016 का पेपर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा. ठीक है, ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू इनरोल ऑन अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, 13th जून को ये होने वाला है, 10 से 12 बजे. टॉप 50 रैंकर्स को डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगी हमारे IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स से, जो रिटायर्ड है या जो अभी सर्विसेज में है. और आप, यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन मैकबुक, आईपैड, आईफोन, एयरपॉड्स. आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, इनरोल टुडे.